नमस्ते गुरुदेव, हैप्पी बर्थडे। मैंने 2010 में बेसिक कोर्स किया था। कोर्स करने के उपरांत स्टडी मटेरियल मिलता है, जिसमें एक छोटी सी किताब थी, गुरु अनमोल वचन। आज परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं इसको पढ़ने जा रही हूँ, जो कि सुनने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। सबसे पहले हम मन के बारे में बात करेंगे। सुख की लालसा से ही मन भटकता है कि कहाँ सुख मिलेगा। तुम स्थिर बैठ जाओगे तो मन ठीक है ही, तुम्हें ठीक करने की जरूरत नहीं है। मन और विचार एक है, अलग नहीं है, क्योंकि मन से ही विचार आते हैं। जब मन अशांत हो तो गाने बजाने और भजन करने से मन ठीक हो जाएगा। मन को जीतना हठ योग है, मन से हार मानकर शरणागत होना प्रेम है। प्रेम में सदा हार ही होती है। देखो, हम जिसे प्रेम करते हैं उसके सामने झुकते हैं, वह चाहे कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी करे। दूसरे को ना देखकर अपने मन को देखो कि मन में उसके प्रति क्या भाव उठा है। जब हम दुखी होते हैं तो मन में रहते हैं, जब हम सुखी होते हैं तो आत्मा में रहते हैं। मन का स्वभाव है दुखी होना और आत्मा का स्वभाव है खुश रहना, आनंद में रहना। मन को जिस काम के लिए जितना मना करो, मन उतना ही उस काम को करना चाहता है। इसलिए मन को मना मत करो, जो मन कर रहा है करने दो, बस आप शरीर से नहीं करना। मन को अपने आप में लगाओ, बाहर नहीं लगने दो, क्योंकि बाहर लगने से दुख ही होगा। ध्यान से मन शांत होगा, स्थिर होता, हमें ध्यान करना चाहिए। जब मन शांत होगा तो आत्मा का दर्शन होगा। जिस तरह जब तालाब का पानी स्थिर शांत होता है तो हमारा प्रतिबिंब उसमें दिख जाता है। ध्यान करने से मन साफ होता है। जैसे पानी गंदा है, पानी में हलचल है तो हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते हैं, उसी तरह मन में हलचल है तो हम अपना स्वरूप नहीं देख पाते। इसलिए ध्यान करना जरूरी है। जब कोई आपके साथ कुछ समय के लिए रहता है तो उसके जाने पर मन दुखी हो जाता है, क्योंकि आप इस दौरान उस व्यक्ति से बंध गए। आप जब ज्ञान में उतर जाओगे तो पता चलेगा कि आप ना बंधते हैं ना ही दुखी होते हैं। मन हमेशा नीचे की ओर जाता है। गलत कामों और विषय वासनाओं में मन को मारो नहीं, सुधारो, साफ करो। जब मन साफ होता है तो भक्ति, निष्ठा और प्रेम का उदय होता है। प्रेम क्या है? प्रभु ने आपको अपार प्रेम दिया है, घुट घुट कर क्यों जीते हो? प्रेम से जियो। प्रेम अनुभव की चीज़ नहीं है, वह स्वयं अपने आप में है। आप जब किसी से मिलते हो, मिलते ही खूब हंसते हो, खुश होते हो, इसलिए आपने कोई प्रयत्न तो नहीं किया। यह अनुभव हुआ या अपने आप हुआ? प्रेम मांगने से कम होता है, देने से बढ़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति प्रेम चाहता है। प्रेम चाहने से नहीं, देने से होता है। देखने से, मिलने से प्रेम होता है। प्रेम से प्यार हो जाता है, प्यार से त्याग हो जाता है, फिर त्याग ज्ञान में बदल जाता है कि मैं वही हूँ। हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी हर बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, उसका हर काम हर बात बहुत ही अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। सबसे प्रेम करो, सब सुंदर लगेंगे। प्रेम व्यक्ति से मत करो, उसकी आत्मा से, चेतना से करो। व्यक्ति से प्रेम करोगे तो आसक्त हो जाओगे, उलझन पैदा होगी, फिर उलझ जाओगे। तुम दानी बनो, धन का नहीं ज्ञान का, दुख का नहीं सुख का, अशांति का नहीं शांति का, उदासी का नहीं प्रेम का दान करो। तुम्हें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, परमात्मा ने बहुत प्रेम दिया है। जितना बांटते हो उसे 10 गुना बढ़ता है। ज्ञान तथा प्रेम के रास्ते में चलने से ऐसा देखने में आया है कि जो इस रास्ते को अपनाता है वह आनंद, प्रेम और खुशी पाता है। अपेक्षा और चाह छोड़ो, हंसो और हंसाओ, प्रेम करो, प्रेम बांटो, आपका स्वरूप वही है। प्रेम में डूब जाना ही जीवन है, प्रेममय हो जाओ। मनुष्य का प्रकृति की ओर से स्वभाव प्रेम का ही है। यह ना घटता है ना ही बढ़ता है, यह उसी प्रकार है जैसे पानी का स्वभाव है शीतल रहना। व्यवहार क्या है? हमें बेईमानी में शंका नहीं होती है, ईमानदारी में शंका होती है। जिस आदमी को समर्पित होना आ गया, उसको जीना आ गया, वह जीवन में सफल हो जाएगा। घटना तो घटती रहती है, हम उस पर रुकेंगे नहीं, उससे आगे बढ़ेंगे। जैसे जब आपका रसोई घर गंदा होता है तो आप उसे साफ करके रसोई बनाते हैं, उसी प्रकार घटना तो घटती रहती है, हम उसको साफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। जब हम हार स्वीकार करते हैं तो हमारी जीत हो जाती है। देखो, संसार में जिसके सामने हम जरा सा अकड़े, संघर्ष शुरू हो जाता है। हम हार स्वीकार करते हैं तो हम उससे काम ले लेते हैं, उसी प्रकार मन से हार जाओ जीत जाओगे।
जब हम दूसरों को आदर और सहयोग देते हैं तो हमें भी आदर और सहयोग मिलता है, वो तो मिलेगा ही। नरमी दूसरों को मारती है और गर्मी अपने आप को। व्यक्ति बुरा नहीं होता, हम लोग बुरा बना देते हैं। यह बार बार कह के कि तुम चोर हो, बदमाश हो, वह एक दिन जरूर वैसा बन जाता है। कोई बुरा व्यवहार कब करता है? जब तुम किसी की बात को लेकर अशांत होते हो, तो वह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी अशांति का पता लगाकर उससे छुटकारा पाओ, ठीक हो जाएगा। हम जीवन में उन्हीं का साथ देंगे जिन्होंने जीवन में सत्य मार्ग को अपनाया है। जब हमसे कोई उठपटांग सवाल करता है तो हमें खराब लगता है, इसलिए हमें चाहिए कि दूसरों से मूर्खों जैसे सवाल ना करें। जब हमारे साथ दो चार लोग मिलकर बोलने लगते हैं तो हम घबरा जाते हैं, उसी तरह दूसरों के साथ भी होगा। इसलिए किसी से एक समय पर एक आदमी ही बोले, सबको प्रभु का स्वरूप माने और अपने आप को उसका सेवक माने। कुछ भी सेवा करे वह परमात्मा की सेवा समझ कर करे। जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता में एक समान जीना ही त्याग है। व्यक्ति सुंदर नहीं होता, उसका जीवन सुंदर होता है। व्यक्ति से घृणा न करते हुए उसके दुष्कर्म से घृणा करो, क्योंकि व्यक्ति मूल स्वरूप से अच्छा ही है, इसलिए उसे घृणा कर हम खुद ही दुखी हो जाते हैं। इंसान ही इंसान के काम मानता है, इंसान ही इंसान की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? जब आप दूसरों की अच्छाई देखेंगे तो वह अच्छाई आप में भी आ जाएगी। जो भी हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, आपके बस में कुछ नहीं है। जो कर रहा है वह आपसे कहीं अधिक बुद्धिमान है, क्योंकि वह सारे संसार को चला रहा है। अपने से श्रेष्ठ को आदर सम्मान दे, आत्मीयता से बोले, आत्मीयता से बैठें। सब में अच्छाई देखने की कोशिश करें, किसी को बुरा नहीं समझो। कोई बुरा व्यक्ति नहीं होता, उसके प्रति हमारी जो भावना होती वही उसको बुरा बना देती है। व्यक्ति अपने मूल स्वरूप से अच्छा ही होता है। दूसरों की मजबूरी समझने की कोशिश करो, अपने आप को उस स्थान पर खड़ा करके देखने से हमें उसकी मजबूरी समझ में आती है। कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, गलती अपने आप ही हो जाती है। उस पर क्रोध न करते हुए उसे प्रेम से समझा देना, वह समझ जाएगा। भूल से भी नहीं सोचना कि कमज़ोर आदमी शरण में आता है, वह तो किसी न किसी मौके की तलाश में रहता है। भय से कभी कोई शरणागत नहीं हो सकता, मजबूर आदमी ही शरण में आता है। जीवन एक कहानी है, कहानी में मत उलझो। बेटा बेटी, पति पत्नी, माँ बाप सभी कहानी के पात्र हैं। हमारी कहानी में तुम नायक हो, बाकी सभी पात्र हैं। जीवन एक किताब है, जिस तरह किताब पढ़ने के बाद हम और आप उसमें उलझते नहीं, रोते नहीं, हम सोचते हैं कि किताब में ऐसी कहानियाँ होती, जीवन में भी इसी प्रकार प्रसंग आते जाते, हम उसमें उलझेंगे नहीं। जीवन में सेवा और साधना दोनों की ज़रूरत है। सेवा बाहर की शांति के लिए और साधना अंदर की शांति के लिए ज़रूरी है। आत्मनिर्भरता क्या है? आत्मा की जो शक्ति है महान है, उसी शक्ति सारा संसार चल रहा है। हम अपने में झांक कर देखें हम क्या हैं, क्या सही है, क्या गलत है, अच्छा है या बुरा है। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु पर भरोसा करते हैं, आधार मानते हैं, तो भय लगने लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। अगर व्यक्ति है तो सोचते हैं कि वह हमसे रूठ ना जाए। अगर वस्तु है तो भय बना रहता है कि कहीं खो ना जाए, कोई ले ना जाए। इसलिए भय का नाश ही आधार समझना चाहिए। जब हमारा आधार नहीं है तो हमें कोई भय डर नहीं है। आपका शरीर भी जब आपका आधार नहीं है तो कोई व्यक्ति या वस्तु आधार कैसे हो सकता है? आप देखते हैं कि शरीर में रोग हो जाते हैं, क्या हम चाहते हैं कि रोग हो? क्या हम चाहते हैं कि हमारे बाल सफ़ेद हो? नहीं चाहते ना। अगर चाहते नहीं तो उसे रंगते नहीं, दवा नहीं लेते। जब शरीर हमारा आधार नहीं है तो वस्तु कब से हमारा आधार हो गई? जब हम एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं कि दूसरा क्या कहेगा, तो हम दुखी हो जाते हैं। दूसरा जो कहे कहने दो, हमें जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। जब अपना ही शरीर हमें धोखा दे सकता है तो व्यक्ति वस्तु क्या है? क्योंकि व्यक्ति उछुड़ सकता है, मर सकता है, वस्तु का कोई चुरा ले सकता है, वस्तु खो सकती है, खराब हो सकती है। इसलिए व्यक्ति व वस्तु पर निर्भर न रहते हुए हम अपने आप पर निर्भर हैं, आत्मनिर्भर बने। जो निराधार होता है वह निर्भय होता है। जैसे जब आप सफ़र करते हैं, रास्ते में कितने यात्री मिलते हैं, आप उन पर किसी तरह से आधारित नहीं होते तो आपको उनसे बिछुड़ने का भय नहीं है, आप निर्भय होते हैं। आप अपने आप में जिए, फिर जीवन का रहस्य समझ लेंगे कि आपका जीवन क्या है। जैसे हम किसी शीत प्रदेश में पहुंचते हैं तो शीतलता महसूस करते हैं, वैसे ही जब हम अपने आप को शीतल रखेंगे, शांत रखेंगे, आसपास में सभी को वही शीतलता अपने आप पहुंचने लगेगी। हम निरंजन हैं लेकिन हम स्वयं को पतित समझते हैं। जब हम परमात्मा गुरु के पास जाकर उपासना करते हैं तो हमें पता लगता है कि हम निरंजन ही नहीं अलग निरंजन हैं। किसी ने हमारा अपमान किया, हम उस विषय को सोचकर परेशान हो जाते हैं। उसने हमारा स्वागत नहीं किया, उसने हमारा अपमान किया, लेकिन हम अपने आप को सम्मान दें तो लोग सम्मान करें या ना करें उनकी मर्जी।
अगर हम अपना सम्मान खुद नहीं करेंगे तो किसको फुर्सत होगी हमारा सम्मान करने की। जब हम दूसरे के विचारों का वर्णन कर प्रभावित होते हैं तब फिर वही करते हैं जो लोग करते हैं और दुखी हो जाते हैं। हम आत्मनिर्भर बनना सीखिए, खुद पर निर्भर रहें, फिर देखेंगे कि हर समय खुशी खुशी है, आनंद ही आनंद है। अभिमानी ज़्यादा अपमानित होते और हर समय दुखी उदास रहते। आदमी होकर जिसने अपने आप को नहीं पहचाना वह पशु से भी बदतर है। परमात्मा को पाने के लिए या अपने आप को स्वयं पाने के लिए अगाध प्रेम और आत्मसमर्पण की ज़रूरत है। उसके बिना हम अपने को पा नहीं सकेंगे। अपने आप को जानो, पहचानो, सोते नहीं रहो, जागो, बेहोशी में नहीं रहो, होशपूर्वक जियो। शरीर में 60% पानी है। शरीर पानी का एक थैला है। आप देखो, जब आप कभी भी शरीर को काटो तो खून निकल आता है। खून भी तो पानी है, लाल पानी। नकारात्मक बुद्धि से जियोगे तो अशांति रहोगे। नकारात्मक रहना छोड़ दो तो शांत हो जाओगे। सभी से खाली हो जाओ, उस समय तुम पूर्ण हो। आनंद क्या है? ज्ञान आप ही है, आनंद भी आप हैं। खुश रहना सब चाहते हैं, दुखी रहना कोई भी नहीं चाहता। जरा गहराई में जाकर देखो, खुशी भी आप ही हो। जैसे पानी का स्वभाव शीतल रहना है, उसी प्रकार हमारा स्वभाव है खुश रहना। खुश रहना हमारा स्वभाव उद्देश्य नहीं। जिस तरह हमें से किसी का सैनिक बनना उद्देश्य है, लेकिन सैनिक बनना स्वाभाविक नहीं है। भाव में डूब जाओगे तब देखोगे सर्वदा आनंद ही आनंद है। जीते जी मर जाओ तब देखो क्या आनंद है, क्या मज़ा है। हम अपनी प्रसन्नता को बेच देते हैं दो कौड़ी में। हम दोषी कहकर दुखी हो जाते हैं। जो हुआ सो हुआ, आज से हम खुश हैं, ऐसा संकल्प लो। फिर ऐसा काम नहीं करो जिसे दुखी होना पड़े। जिस प्रकार सूर्य को कोई ढक नहीं सकता, उसी प्रकार आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। दुखी आप बाहरी वस्तु को लेकर होते हो। हंसो हंसाओ, ना फंसो ना फंसाओ। खुश रहो, खुशी बांटो, ना दुखी रहो ना दुखी करो, ना दुख बांटो। जब हम खुश रहते हैं तो हमारे पास रहने वाले आने वाले सभी खुश होकर जाते हैं। हम कम से कम एक नियम बनाएं कि प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को हंसाएंगे। जो झुकता है वह सभी जगह खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। अपनी ज़िंदगी का व्यवसाय मत बनाओ, इससे आपकी खुशी छिन जाएगी और आप अशांत हो जाएंगे। खुश रहना चाहते हैं तो वर्तमान में रहें, भूतकाल और भविष्य काल में ना जाएं। भूतकाल में हमेशा ग्लानि, अफसोस, रोना, दुख और उदासी रहती है। भविष्य काल में कल्पना, आशा, निराशा, चिंताएं और उदासी है। वर्तमान में हमेशा खुशी, आनंद, प्रसन्नता, शांति और सुख है। इसलिए वर्तमान में रहने से रोज दिवाली है। अपेक्षा और चाह छोड़ो, हंसो और हंसाओ, प्रेम करो, प्रेम बांटो, यही आपका स्वभाव है। जो समीप में रहता है उसी को पाने के लिए तड़प होती है। खुशी आपके पास है, खुशी के लिए भी तड़प होती है। परमात्मा आपके पास है तभी तो तड़पन है। हमें जीवन में कुछ चाहिए, क्या चाहिए? देखें, सुख दुख, मुसीबत या आनंद, हमारा जो भी काम होता है खुश रहने के लिए होता है। जीवन को दुख या मुसीबत नहीं समझे, जीवन प्रभु का प्रसाद है। आत्मचिंतन क्या है? प्रार्थना दिल से, भाव से, विचार से, समर्पण से होनी चाहिए। प्रार्थना करते वर्तमान में रहना। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपका मन विचार ठीक होकर सूक्ष्म हो जाता है और आप वर्तमान में होते हैं। हम लोग अपने आप को संसारी कहकर साधना करने से बचाते हैं। जीवन में सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। भक्त के लिए सानिध्य जरूरी होता है कि प्रभु मेरे हैं, मौजूदगी महसूस करें। जब हम मौजूदगी महसूस करते हैं तो प्रभु वही है। खुद की मौजूदगी महसूस करें कि हम हैं। जैसे मेरे सामने फूल है, मैं उनकी मौजूदगी महसूस कर रहा हूं। इसी प्रकार आप अपने आप को महसूस करें, प्रभु को महसूस करें। जीवन में सफल होने के लिए दो चीज़ें चाहिए, वह है भक्ति और मुक्ति। जब दोनों है तो जीवन सफल है। हम अपने जीवन को ध्यान ज्ञान में परिवर्तन करेंगे, ऐसा संकल्प करें। जिस जीवन में ध्यान ज्ञान नहीं, वह जीवन कूड़ा करकट के समान है। जिस पेड़ पर फल लगते हुए पेड़ झुक जाता है, ज्ञानी अपने आप सभी के सामने झुकते हैं, अज्ञानी अकड़ कर रहता है। तो तुम कौन हो, खुद देखो। चेतना सबकी एक ही, अलग नहीं है। हमारे अंदर भी वही, हमारे अंदर भी वही, सभी के अंदर वही चेतना काम कर रही है। हम सब चैतन्य स्वरूप हैं, आत्मस्वरूप हैं। व्यक्ति के शरीर से नहीं बल्कि उसकी चेतना से संबंध बनाओ, यह संबंध सानिध्य का होगा। सभी को परमात्मा का स्वरूप मानो। हम सब एक ही हैं, एक ही चेतना सभी में है। हम जिसको चाहते हैं उसकी याद बराबर आती रहती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों याद आ रही, प्रभु को चाहो, प्रभु याद आने लगेंगे। हम सपने को पकड़ कर नहीं बैठते हैं, इस तरह हम संसार की चीज़ों को लेकर नहीं बैठेंगे।
जब मान जाते हैं कि ये सब सपना है तो हम कभी आसक्त नहीं होते, क्योंकि सभी सपना है। किस किस को पकड़ोगे? तुम पकड़ना भी चाहोगे तो पकड़ नहीं पाओगे। संसार एक सपना है, जैसे नींद में आया सपना जागने के बाद नहीं रहता, उसी प्रकार हम जान जाते हैं कि जिस तरह सपने आते हैं जाते हैं, उसी तरह व्यक्ति वस्तु संसार में आते हैं जाते हैं। मैला गंदा रहने वाले व्यक्ति को भी अपनी गंदगी में रस आने लगता है। अगर रस नहीं आता तो वह ऐसे क्यों रहता है, ऐसे क्यों पहनता है? कोई लोग अपने आप को गंदा देख कर बताते हैं कि मैं साधु हूँ, राख लगाता हूँ, यह सब अहंकार की बात है। हकीकत में उस राख में भी उसे रस आने लगता है। सेवा करो, सेवा से मन शांत हो जाता है। जब सेवा करते हो तो उसे बदले में कुछ नहीं चाहो, अन्यथा वह सेवा व्यापार हो जाती है। ध्यान में बैठकर अपने आप को अनुभव कीजिए। जब ज्ञान का अंत होता है तो वेदांत हो जाता है। ऐसा समझते हैं कि सोने से भी आराम मिलता है, ऐसा नहीं है। जितना आराम ध्यान करने से मिलता है वह सोने से कोटि गुना अधिक है। समय आते ही सब काम अपने आप हो जाते हैं, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। समय के ऊपर कर्म भी नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म करते रहें। सांस को देखो, समझने की कोशिश करो, यही जीवन है, जीने की कला यही है। जब हम समझने लगते हैं कि हम पहुंचने वाले हैं, अब पास में है, तो हम थकते नहीं। कोई बच्चा कहीं जाते वक्त थक जाता है तो हम कहते देखो वह दिख रहा है। इसी प्रकार समय समीप रहकर हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। हम काल स्थान की समुचित व्यवहार नहीं करते, काल स्थल के हिसाब से चलें और महसूस करें। हम जिसको पाना चाहते हैं उसको नज़दीक समझे, जल्दी ही पा लेंगे। आप देखते हैं कि जैसे कोई मंत्री बन गया तो आप नज़दीकी जताने का प्रयत्न करते हैं। नाना के नानी के नाती हो आप, देखो कितनी दूरी है। पर जिस प्रकार काम के लिए नज़दीकी बनाते हैं उसी प्रकार उसको भी नज़दीक समझो जिसको आप पाना चाहते हो। यहाँ जिस चीज़ को देखो उसका अंत ही नहीं है, अनंत है, कहाँ तक देखोगे। धन्यवाद।